मुस्लिम, बात दरअसल ये है कि ये एक पसमानदा सा गांव है। एक दोस्त की फरमाइश पर मैं यहाँ आया हूँ इसको प्रमोट करने के लिए। ये असल बात ये है कि यहाँ पर लोग सीज़न बाय सीज़न यहाँ आते हैं। यहाँ पर जब मछलियों का सीज़न शुरू होता है तो यहाँ पर बहुत ऐसा जैसा कि चांद रात जैसा समा होता है, रश जैसा समा होता है। लेकिन जब ये सीज़न ख़त्म हो जाता है तो ये झोपड़ियाँ भी वीरान हो जाती हैं, यहाँ पर पब्लिक भी वीरान हो जाती है। सोमयानी डाम का ये एक गाँव है, उन्होंने हमें स्पेशल तौर पे यहाँ पे इनवाइट किया और कहा है कि आप आएँ यहाँ पर हमारे इस इलाके को प्रमोट करें अपने चैनल के ज़रिए। तो मैं यहाँ आया हूँ। ये देखें, आप ये देख रहे होंगे, ये साथ साथ जो है ना ये खूबसूरत सी झोपड़ियाँ, वीरान सी झोपड़ियाँ, ये खजूर के पत्तों, सूखे पत्तों से बनाई गई झोपड़ी है। और यहाँ पर लोग हंसते बसते इंसान यहाँ रहते हैं, यहाँ पर आबाद थे, अब यहाँ पर सब चले गए, अभी सारा इलाका जो है ना ये वीरान रह गया। चलें अपने वीडियो की जानिब, आपको और मज़ीद इसके क्लिप और व्यूज़ वगैरह दिखाते हैं। ट्रेडिशनल झोपड़ी के अंदर आ चुके हैं अपने दोस्तों के साथ, और यहाँ पर अभी हमने आग भी जला ली है, और अब हम जो है ना यहाँ एक चाय बनाएंगे और चाय बनाकर दोस्तों के साथ बैठ कर इंजॉय करेंगे। क्योंकि इनकी ये स्पेशल ये व्लॉग, इन्होंने इसी चीज़ के लिए हमें इनवाइट किया था कि आप यहाँ आएँ और हमारी सकाफत को प्रमोट करें और दिखाएँ कि हम लोग यहाँ पर जंगल में किस तरीके से जो है ना ये आग जला कर किस तरीके से हमारे यहाँ का रहन सहन है और किस तरीके से हम यहाँ पर जो है ना ये पिकनिक मनाते हैं, दोस्तों के साथ इंजॉय करते हैं। ये देख लें, एक बोसीदा सी जो है ना ये झोपड़ी है, हाथ की बनी हुई झोपड़ी है, लकड़ी की बनी हुई झोपड़ी है ये, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन लोगों ने खुद ये इसको मेंटेन करके बनाया गया है। साथ रहिएगा, एंजॉय कीजिएगा। पाकिस्तान के नाम पर ब्लॉगर भी मौजूद हैं, जंगली बॉय, इनसे पूछते हैं कि इनको ये दोस्तों के साथ इस गैदरिंग के अंदर, इस पिकनिक के अंदर कितना मज़ा आ रहा है। अच्छी भाई, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? भाई मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। लकड़ियाँ चुनने के काम के लिए भेजा गया था इस हालत में, तो मैं लकड़ियाँ चुन चुन के आ रहा हूँ। और आग तो शाहरुख जान ने लगाई हुई है इसके अंदर, आग लगाने में बहुत बड़े माहिर हैं ये, और आग ही लगाते जहाँ भी जाते हैं। अभी इनको पता नहीं ये जो है लकड़ी, अब यकीन करें इसको अगर टच भी करें ना पूरा घर जला देगी। मैंने इसको बोला भी बाहर लगा होता नहीं, अंदर ही बैठ के लगानी। तो लिहाजा भाई शाहरुख जान व्लॉगर को जो है प्रमोट करें, बहुत अच्छे से व्लॉग करते हैं। कोशिश यही रहती है कि बलूचिस्तान में ही जितने भी जगह हैं वहाँ पे जाएं और अपनी ब्लॉगिंग करें। तो भाई मैं यही चाहता हूँ, मेरे मुझे तो आप लोग माशाल्लाह जानते ही होंगे, जो जो मुझे देख रहे हैं जंगली बॉय अतीक, शाहरुख जान का जो पेज है, यूट्यूब का जो चैनल है, उसको भी साथ साथ थम्स अप करें, मेरे साथ रहिए।
इस वीरान बस्ती का नाम है चश्मा गोट, बलूचिस्तान का ये एक पसमानदा इलाका है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुरबत है और हमें यहाँ पर स्पेशल विलोक के लिए बुलाया गया था कि झोपड़ी के अंदर बैठकर हमने टी पार्टी की अपने दोस्तों के साथ और इन्जॉय किया है। हमें तो बहुत मज़ा आया, बहुत पुरसकून जगह है। अगर आप लोग आना चाहें तो बिला झिझक बिला किसी खौफ के इस गांव पे आ सकते हैं, यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं और पिकनिक वगैरह भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ शाहरुख जान को इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, खुदा जगह पा। आ रहा है, आ रहा है, वो उसी को तो शूट किया इसने। दो चार कदम पहले जा रहे हैं। ठीक है। हाँ हाँ कर लूँगा। शॉट। ये दूध हो गया, चीनी हो गई, पत्ती किधर है? पत्ती भी इधर ही है, ये पड़ी है। ये पत्ती हो गई। आपने दिखानी है इसके। ठीक है ये। वाकई में जंगली बॉय है यार। तुम्हारा चारे का टाइम हो गया इसका? हाँ, अभी अभी दाना दाना डालना इसको भी, घोड़े में दाना डालना। सही है, सही है, सही है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ भले ना आ जाए।